नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डीआईएल आरएमपी योजना के तहत अधिसूचना होने के बाद भी नामांतरण शुद्धि पत्र तरमीम के ऑनलाइन इंद्राज के दौरान आ रही तकनीकी समस्या के समाधान की मांग को लेकर राजस्थान पटवार संघ उपशाखा ब्यावर के सदस्यों ने अध्यक्ष मीठू सिंह चौहान के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि डीआईएल आरएमपी योजना के तहत 9 जून 2020 को ऑनलाइन अधिसूचित हो चुकी है। वहीं 30 नवंबर 2019 के पश्चात से 8 जून 2020 तक नामांतरण शुद्धि पत्र इंद्राज कार्य स्थगित होने के कारण लगभग 7 माह का नामांतरण शुद्धि पत्र तरमीम आदि कार्य बाधित हो रहा है, जबकि एलआरसी शाखा में फील्ड पटवारियों के निर्देशानुसार उपस्थित होकर ऑनलाइन कार्य करवाया जा रहा है। ज्ञापन ने बताया गया कि ऑनलाइन नामांतरण तरमीम एवं शुद्धि पत्र के इंद्राज के दौरान कभी ओटीपी नहीं आता है तो कभी यूआईडीएआई सर्विस में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण फील्ड पटवारियों को समय की बर्बादी एवं काश्तकारों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पटवारीगण मानसिक प्रताड़ना से प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में पटवार संघ के सदस्यों ने उक्त समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान मीठू सिंह रावत, मूलाराम भाटी, सुनील कुमार डेटानी, सोनू, लोकेश मीणा, राकेश जटिया, विक्रम यादव, प्रियंका, प्रवीण फुलवारी, रामकरण यादव तथा विकास आदि मौजूद रहे। ऑनलाइन होने के बाद नामांतरण प्रक्रिया में जो समस्या आ रही है उसमें क्या है कि सर्वर सही काम नहीं कर रहा है और नामांतरण प्रक्रिया चालू हो गई है और ग्राम पंचायत की कोरम में 5 और 20 को होती है, तो हम काश्तकारों का नामांतरण नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा है। इसलिए काश्तकारों को और पटवारी को अनावश्यक समस्या हो रही है। इसलिए हमने आज श्रीमान तहसीलदार साहब को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये बात पहुँचाने का प्रयास किया है कि ये सर्वर का जो समस्या है वो जल्दी ही खत्म हो, जिससे काश्तकारों को और पटवारी को राहत मिल सके। शहर में गुरुवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। गुरुवार को मिले 3 कोरोना पॉजिटिव में 2 महिला तथा 1 पुरुष शामिल है। शहर में 3 और लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 112 हो गया है। गुरुवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली जाँच रिपोर्ट में रेगरान मोहल्ला बड़ाबास निवासी 41 वर्षीय पुरुष, लोहरान चौपट जामा मस्जिद गली निवासी 29 वर्षीय महिला तथा 1 कौशल नगर बंद गली निवासी 38 वर्षीय महिला शामिल है। शहर में गुरुवार को एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद चिकित्सा प्रशासन हरकत में आ गए तथा तीनों की कांटेक्ट तथा ट्रैवल हिस्ट्री खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में सर्वे का कार्य तेज कर दिया है। उधर गुरुवार को एक प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में 35 लोग नेगेटिव पाए गए हैं, जबकि अभी भी 83 लोगों की जाँच रिपोर्ट पेंडिंग है। गुरुवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने 653 घरों का सर्वे करते हुए 5057 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, साथ ही 83 लोगों के सैंपल्स लिए। इसी प्रकार गुरुवार को 7 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। वहीं गुरुवार तक कुल 7 लोग एक्टिव होम क्वारंटीन में चल रहे हैं। उधर गुरुवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रों में दमकल के वाहन के माध्यम से सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण चिकित्सा विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों में सर्वे करवाया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों के सैंपल्स ले रही है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सिटी डिस्पेंसरी की टीम के सदस्यों ने गुरुवार को मेवाड़ी गेट क्षेत्र में सर्वे शुरू किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने ILI के लक्षण वाले लोगों के सैंपल एकत्रित किए। टीम में प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया, डॉक्टर पवन, लैब टेक्नीशियन हर्ष खंडेलवाल, वैभव शर्मा तथा नर्सिंग कर्मी सुशील व्यास आदि शामिल थे। तहसील में शामिल 180 गांवों का राजस्व रिकॉर्ड 4 साल की प्रक्रिया बाद आखिरकार पूरा हो गया। इससे आमजन या काश्तकारों को जमाबंदी व नक्शे की नकल हो या अन्य दस्तावेजों की जानकारी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही प्रत्येक खेत व खसरे में प्रत्येक काश्तकार का कितना हिस्सा है इसकी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इससे जारी दस्तावेज के आधार पर होने वाली जमीन संबंधी धोखाधड़ी की वारदातों पर भी अंकुश लगेगा। केंद्र सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के मकसद से महत्वाकांक्षी योजना DIL RMP शुरू की। इसके तहत राजस्थान में भी जिलेवार राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए ब्यावर में वर्ष 2016 से ई धरती ऐप के जरिए यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य अद्यतन किए गए भूमि अभिलेख को ऑटोमेटेड और स्वतः नामांतरण लिखित और स्थानिक अभिलेखों के समेकन राजस्व और रजिस्ट्रीकरण के बीच अंतः संयोजकता की प्रणाली शुरू करना है।
है। इसके तीन मुख्य चरण हैं, पहला भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, दूसरा सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण व तीसरा रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण करना। ब्यावर तहसील में शामिल 183 गांवों में से 180 गांवों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ है। तीन गांव रुढ़ाना, देवखेड़ा और सोनियाना के कुछ खसरे राजसमंद जिले में भी शामिल है। सेटलमेंट टीम बैठने के बाद ही इनका निस्तारण होगा। अजमेर जिले की 16 में से 15 तहसीलों में रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है। किशनगढ़ तहसील में यह प्रक्रिया शुरू होनी है। इससे पहले टाटगढ़ तहसील के सभी 48 राजस्व ग्राम 24 अगस्त 2018 को ही ऑनलाइन हो गए थे। तहसीलदार रमेशन बहड़िया ने बताया कि सरकार की ओर से इस संबंध में 8 जून को अधिसूचना जारी हो गई। इसके बाद से ही तहसील प्रशासन में ऐसे सभी कार्य ऑनलाइन ही हो रहे हैं। इसके लिए किसी भी ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर हाथों हाथ जमाबंदी की नकल या अन्य दस्तावेज प्राप्त किए जा सकेंगे। ऑनलाइन होने की प्रक्रिया 2016 से ही ब्यावर तहसील प्रारंभ कर चुका था और 4 साल से लगातार पटवारी और आईजार ने अपने सहयोग से 8 जून 2020 को इस तहसील को ऑनलाइन करवा दी है। राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 183 विलेजेस में से 180 गांवों को हमने भी ऑनलाइन करवा दिया गया है। तीन गांव जहां पर दो जिलों की सीमाएं पड़ने की वजह से और तीन गांव जहां कुछ खसरे डबलिंग दोनों डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से उन गांवों का ऑनलाइन अभी हमने रोका है। बाकी 180 गांवों की हमने ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण हो करके अब नकल और नक्शा ट्रेस ऑनलाइन ही प्राप्त हो सकेंगे। पटवारियों के या राजस्व विभाग के किसी अन्य व्यक्ति के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। काश्तकारों को इस मामले में काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। जैसा LR सेक्शंस की जानकारी के अनुसार है कि जिले की 16 में से 15 तहसील अब ऑनलाइन हो चुकी है। केवल किशनगढ़ तहसील ऑनलाइन ही आपको नकल प्राप्त होगी और ऑनलाइन ही आपको जमाबंदी भी प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए आपको ई मित्र हैं किसी भी मित्र पर जाकर के 10 रुपये का जो शुल्क निर्धारित शुल्क है उस शुल्क को जमा करा करके आप नकल और नक्शा ट्रेस दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो आप हमें इंटीमेट करवाएं। हम DIT विभाग की तरफ से जांच करवा करके अगर वो सही पाई जाती है तो उनके KO कोर्ट और उनकी जो सरकार की तरफ से ऑथराइजेशन है उनको रद्द करवाएं। कोरोना संक्रमण का असर देश भर के न्यायालयों में दिखाई दे रहा है। न्यायालयों में कोरोना संक्रमण के भय तथा बचाव के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। साथ ही प्रकरणों पर व्यवस्थाएं भी ऑनलाइन ही दी जा रही है ताकि सरकारी गाइडलाइन की पालना के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। इसी क्रम में SC/ST न्यायालय अजमेर के विशिष्ट न्यायाधीश गोविंद अग्रवाल ने भी एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की तथा आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकार की। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राकेश प्रजापति ने बताया कि उन्होंने उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला करने तथा जाति सूचक शब्द से अपमानित करने के आरोपी उनके क्लाइंट का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र SC/ST न्यायालय में पेश किया था। जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशिष्ट न्यायाधीश गोविंद अग्रवाल ने अधिवक्ता प्रजापति के तर्कों से सहमत होते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। कोरोना महामारी के चलते माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट श्री गोविंद जी अग्रवाल साहब ने जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुमाऊत कॉलोनी में संबंधित मामला जानलेवा हमला और जाति सूचित शब्दों से अपमानित करने के मामले में पुलिस थाना ब्यावर सिटी द्वारा दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत में मुझ अधिवक्ता की तर्कों से सहमत होते हुए एक्ट में प्रावधान न होते हुए भी कानूनी बिंदुओं और नज़रों को का उदाहरण से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने SC/ST प्रकरण में अग्रिम जमानत मेरे पक्षकार की स्वीकार की। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सावित्रीबाई फुले फल एवं सब्जी मंडी के एक व्यापारी को कुछ लोगों की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। जान से मारने की धमकी के साथ साथ गुरुवार सुबह व्यापारी के साथ मारपीट भी की गई। इसको लेकर पीड़ित व्यापारी ने सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है।
सिटी थाना पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत में पीड़ित व्यापारी मुरली जगवानी ने बताया कि सब्जी मंडी में उसकी बालाजी फ्रूट कंपनी के नाम से दुकान है। जगवानी ने बताया कि वह गुरुवार सुबह 7:15 बजे करीब कंपनी पर अपना व्यापार कर रहा था। इस दौरान चेतन व बख्शा नाम के दो लोग वहां पर अपने 10 से 15 साथियों के साथ आए तथा गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान वे लोग पैसों से भरा बैग भी छीनने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के व्यापारी एकत्रित हुए तथा बीच बचाव कर मुझे उनके चुंगल से छुड़वाया। पीड़ित जगवानी ने बताया कि अगर व्यापारी बीच बचाव नहीं करते तो वे लोग मेरे को तथा मेरे भतीजे को जान से मार देते। बताया जा रहा है कि इस दौरान जाते जाते बदमाशों ने मेरे को जान से मारने की धमकी भी दे गए। जगवानी के अनुसार चेतन तथा बख्शा आए दिन ऐसी ही हरकतें करते रहते तथा व्यापारियों से रुपए मांगते रहते हैं। जगवानी ने सिटी थाना अधिकारी से इनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। चेतन नाम का लड़का था, वो आया था मेरे पास सुबह यहाँ पर, मतलब गाड़ी को लेकर, ट्रक लेकर। मेरी एक्टिवा मेरे यहाँ खड़ी थी, वो आके बोले इसको एक्टिवा हटाओ। मैंने कहा भाई एक्टिवा हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या हुआ क्या? तो वो दादागिरी करने लग गया और मेरे पैसे का बैग था मेरे से छीना पर जब्ती करने लग गया। तो मैंने कहा भाई बात क्या, तो मेरे को भाई जबरदस्ती ये लूटपाट की हरकतें क्यों कर रहा है तू? तो बोले मेरे को जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये वो फलाना ऐसा वैसा। पूरी मंडी को पूरी ने मेरे बारे में, मंडी को सबको सबक सिखाया हुआ हूँ मैं। मेरा भाई है बप्सा, वो मर्डर करा हुआ है, उसको बुलाता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ। और वो उनको बुला के और गेट पे आके मेरे को धमकी देता है, गेट पे आके दिखा मंडी, गेट पे आके दिखा मंडी। व्यापारी ने उसको समझा बुझा के उसको भेज दिया वापस। फिर वो 25-30 लड़कों को लेकर आ गया मंडी में, यहाँ पर मारपीट करने लगा। तब जाके हम सब लोग मंडी वाले मिलके और थानाधिकारी महोदय जय डिप्टी साहब को जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट देखे हैं। मुझे फिर उसने थाने में भी धमकी दी कि जान से मार दूंगा, 3 दिन में तेरे को खत्म कर दूंगा। और मेरा भाई है वो मर्डर कर चुका है, वो भी आया था बप्सा, वो भी मेरे को बोला था मेरे बारे में पता लेना, थाना हिस्ट्री मेरी निकाल लेना कि मैं मर्डर करके जेल से अभी छूट के आया हूँ मैं। कृषि विपणन बोर्ड शहर की कृषि उपज मंडी में सौर ऊर्जा सिस्टम लगवाने जा रहा है, जिसका मसौदा तैयार किया जा चुका है। इससे विद्युत खर्च पर होने वाली राशि में करीब 80% की बचत होगी। इसके लिए शहर की कृषि उपज मंडी में 8000 केवी के इस सिस्टम को लगाने पर 26,13,000 रुपए खर्च होंगे। कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में नीलामी यार्ड सहित परिसर में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें लगाई हुई है। विद्युत निगम से मिलने वाली इस बिजली का बिल प्रतिमाह 40 से 50 हजार रुपए प्रति माह का बिल आता है। इसके लिए कुछ सप्ताह पहले ही बजट तैयार कर उपखंड कार्यालय भेज दिया गया है, वहां से मुख्यालय जाएगा, जिसके बाद सोलर सिस्टम के लिए बजट जारी होगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि मंडी में ही सीजन के समय करीब 50,000 व ऑफ सीजन में 40,000 रुपए तक बिल चुकाना पड़ता है। विद्युत पर खर्च होने वाली बड़ी राशि को देखकर कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों में आधुनिक सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इन सिस्टम में बैटरियां नहीं लगेगी, नेट मीटरिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा। नीलामी यार्ड में बने शेड पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगेगी। अधिकारियों ने बताया कि सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली सीधे जीएसएस में जाएगी। उत्पादित बिजली की गणना के लिए मीटर लगाया जाएगा। मंडियों में खर्च विद्युत में से उत्पादित बिजली यानी राशि को घटाकर निगम बिजली का बिल भेजेगा। विपणन बोर्ड के विद्युत अभियंताओं ने बताया कि इससे बिजली का बिल करीब 80% कम हो जाएगा। सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाने के लिए अभियंता जगह चिन्हित करेंगे। विपणन बोर्ड निदेशक सभी मंडियों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए परिपत्र भेज चुके हैं, जिसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। कृषि मंडी सचिव महेश शर्मा के अनुसार कृषि उपज मंडी में विद्युत रोशनी पर प्रति माह औसतन 40 से 50 हजार रुपए का बिजली बिल आता है। सौर ऊर्जा सिस्टम लगने से इसमें कमी आएगी। यह सिस्टम प्लेटफार्म की छतों पर लगाया जाएगा, जिसको लेकर बजट तैयार कर उपखंड कार्यालय भेज दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण का असर बच्चों के मनोरंजन पर भी पड़ा है। जिला प्रशासन ने शहर के सभी पार्कों में लगे झूले व जिम के उपयोग पर पाबंदी लगा रही है। इस कारण शहर के सुभाष उद्यान में चलने वाली मिनी ट्रेन भी बंद है। विगत 4 महीनों से टॉय ट्रेन का संचालन बंद होने के कारण ट्रैक पर घास उगाई है। जानकारी के अनुसार COVID-19 के संक्रमण के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ पार्क में घूमने की सशर्त स्वीकृति दी गई है, लेकिन पार्क में लगे खेल उपकरणों व मिनी ट्रेन के संचालन की अनुमति अभी जारी नहीं की गई है। 4 महीने से ट्रेन बंद होने से अब रेलवे ट्रैक पर भी घास उगाई है, साथ ही खड़ी टॉय ट्रेन के कांच तथा सीटों को भी नुकसान पहुंच रहा है। खड़ी ट्रेन के सभी खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं तथा सीटें फटी गई है। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन ने शहर के बच्चों के लिए सुभाष उद्यान में एक टॉय ट्रेन का संचालन शुरू किया था, जहां पर प्रतिदिन पार्क में घूमने आने वाले बच्चे तथा अभिभावक उक्त टॉय ट्रेन का आनंद ले रहे थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद घोषित हुए लॉकडाउन के दौरान इसके संचालन को बंद कर दिया गया था। अब प्रतिदिन यहां घूमने आने वाले बच्चे बंद टॉय ट्रेन के हसरत भरी निगाहों से ताकते रहते हैं।
मानसून के दौरान वन विभाग द्वारा अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए पौधों का वितरण किया जाता है। इस वर्ष वन विभाग ने 1 जुलाई से दिलवाड़ रोड स्थित नर्सरी से पौधों का वितरण शुरू किया था। विभाग द्वारा 15 जुलाई तक 15,630 पौधों का वितरण कर दिया गया है। विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी आमजन को रियायती दरों पर पौधों का वितरण जारी रहेगा। दिलवाड़ रोड स्थित नर्सरी में तैयार किए गए लगभग 22 अलग अलग किस्मों के पौधों का रियायती दरों पर वितरण किया जा रहा है। वन विभाग की ओर से दिलवाड़ रोड स्थित नर्सरी में गुलाब, मोगरा, चमेली, बोगनवेलिया, कनेर, नीम, बबूल, नींबू, अनार, खेजड़ी, कचनार, चुरेल, करंज, शीशम, गुलमोहर, अरडू, पीपल, आंवला, जामुन, अमलताश आम तथा सीताफल सहित अन्य पौधे तैयार करवाए गए हैं। नर्सरी प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष अब तक ब्यावर उपखंड की 30 ग्राम पंचायतों, सरकारी कार्यालयों व विद्यालयों को रियायती दर पर पौधे दिए जा चुके हैं। विभाग द्वारा हर वर्ष सरकारी विभागों में वितरित किए जाने के लिए अलग से पौधे तैयार किए जाते हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में भी उचित संख्या में पौधारोपण हो सके। नर्सरी प्रभारी ने बताया कि विभाग की ओर से 1 रुपए में वितरित किए जाने वाले पौधे खत्म हो गए हैं। पौधारोपण को लेकर लोगों को जागरूकता के चलते ही महज 15 दिनों में ही 1 रुपए की कीमत वाले सभी पौधे खत्म हो गए हैं। ऐसे पौधे ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में ही वितरित किए गए हैं। नवसृजित ग्राम पंचायत ठीकराड़ा मंदातान में बुधवार को ब्लॉक स्तरीय सघन पौधरोपण एवं निम्बोली बीजारोपण वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक, तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त, विकास अधिकारी जवाजा, सीबीईओ, डीपो मैनेजर तथा कोविड प्रभारी आदि ने शिरकत की। सरपंच श्रीमती संगीता फैयाज के अनुसार कार्यक्रम के प्रारंभ में जनप्रतिनिधि फैयाज खान ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण ही हमारे जीवन का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। इस मौके पर विकास अधिकारी शर्मा ने कहा कि पंचायत समिति के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पौधरोपण किया जाना चाहिए। पूरी पंचायत समिति में 2000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का इसमें सहयोग रहेगा। सरपंच संगीता ने कहा कि उनका लक्ष्य पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र को हरा भरा बनाने का है। इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। उपस्थित अतिथियों ने भी पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे तथा पौधारोपण किया। इस दौरान पंचायत परिसर एवं ग्राम के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नीम की निम्बोली का बीजारोपण भी किया गया। श्रीसीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री खेत बाग योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत अंधेरी देवरी, झाक, लूलवा, शामगढ़, पाकरियावास, खीमपुरा, देलवाड़ा, नयागांव तथा नाड़ी के पंचायत भवन पर काश्तकारों को बीज संवर्धन की जानकारी हेतु प्रशिक्षण एवं उन्नत बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक महाप्रबंधक रजत सुराणा के अनुसार समाज सेवा टीम की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा अधिकारी अमित टाक ने बताया कि कंपनी आसपास की ग्राम पंचायतों के काश्तकारों को विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर उन्हें लाभान्वित कर रही है। इसके तहत उन्नत बीज, कृषि यंत्रों का वितरण तथा उन्नत कृषि तकनीक आदि की जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काश्तकारों को उन्नत बीज संवर्धन, नई कृषि तकनीक, फसल चक्रीकरण व सरकारी योजनाओं आदि से अवगत कराना है, जिससे काश्तकार कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर कम समय खर्च में अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सके तथा वे आत्मनिर्भर हो सके। कार्यक्रम द्वारा अंधेरी देवरी, भरकाला, मुंडोती, गेनारामपुरा, सरकना, लूलवा, जुंजारो का बाड़िया, झाक, मात का बाड़िया, रावला का बाड़िया, शामगढ़, नीमगढ़, पाकरियावास, खिरने खेड़ा, बाड़िया बाऊ, खीमपुरा, अमर सिंह का बाड़िया, देलवाड़ा, नयागांव तक नाड़ी गांव के 2251 काश्तकारों को उन्नत किस्म के मूंग, चवला, मक्का, बाजरे तथा सब्जियों के किटों का वितरण किया गया तथा काश्तकारों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने काश्तकारों को कंपनी की योजनाओं में अधिक से अधिक सहयोग कर लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उपस्थित काश्तकारों ने इस सहयोग एवं कृषि जानकारी हेतु कंपनी अधिकारियों का आभार जताया व धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, काश्तकार, महिलाएं, ग्रामीण जन तथा समाज सेवा टीम के मनोज बियानी आदि उपस्थित थे। आज के सुबुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नामांतरण शुद्धि पत्र तरमीम में आ रही है तकनीकी समस्याएं, पटवारियों ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन। सब्जी मंडी के व्यापारी को जान से मारने की धमकी, पीड़ित व्यापारी ने दी पुलिस को शिकायत। शहर में गुरुवार को और मिले 3 कोरोना पॉजिटिव, 112 पर पहुंचा शहर के कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा।
और कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की खुशियां हुई लॉक। चार माह से सुभाष उद्यान में बंद है टॉय ट्रेन।